नमाज पढ़े हैं, क्या करना चाहेंगे? बड़ी खुशी है, हर्ष का विषय है कि कोरोना के बाद 2 साल बाद हम लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। हम लोगों ने बारगाह रब में ये दुआ भी की है कि मुल्क का अमन व अमान, हमारी साझा संस्कृति कंपोजिट कल्चर को बचाने के लिए, और सही माने में जो लोग ये भरम फैलाते हैं वो आएँ, आज काशी के अंदर देखें कि हम लोगों का इंतज़ार कोई हरीश मिश्रा, कोई अनिल श्रीवास्तव, कोई मनीष सेठ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हम ईद की नमाज़ पढ़ के निकलें और हमें वो मुबारकबाद दें, हमें वो बधाई दें। तो ये जो हमारी साझा संस्कृति है, जो मिला जुला जो हमारी मोहब्बत का पैगाम है, ये पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर आज ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो है मोहब्बत की, प्रेम की, सौहार्द की, भाईचारे की। आइए ईद के दिन ये खुशी बांटें, इस बात का पैगाम दें कि हम अपने देश की मोहब्बत, साझा संस्कृति और साझा विरासत को बचाने का काम करें। धन्यवाद। मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी, इमाम बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ। ईद उल फित्र की नमाज आज अदा किया गया है। 2 साल लॉकडाउन और पाबंदियों के बाद 2 साल के बाद ईदगाह खुली है और इंतहाई खुशी का इजहार किया जा रहा है और सबको, देशवासियों को, हर एक को ईद उल फित्र के मौके से मुबारकबाद पेश किया जाता है। दुआओं के अंदर अमन, देश हित में, देश की तरक्की में, कामयाबी में और हम सब के भाईचारे के लिए दुआएं की गई हैं। मोहम्मद अयाज। मोहम्मद जी, आज किस तरह के नमाज पढ़े हैं और क्या करना चाहिए? बड़ी ईदगाह में हम लोग नमाज पढ़े, ईद उल फित्र की नमाज अदा किए हैं और देश में भाईचारे के लिए दुआ किए कि देश में शांति बना रहे और भाईचारे के लिए दुआ किए।